इतना काम हुआ है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ, 70 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं देश में? उनकी सनक है कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की भी। इनका पूरा प्रयास 10 सालों से ये रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। बीजेपी भी अब हम अपने इमेजिनेशन का हमारा मैनिफेस्टो गिना रही है, भैंसों की बात कर रही है, ये वो जो हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं गिनाती? बीजेपी जो बीजेपी ने किया है 10 सालों में, इतना सारा काम किया है, इनके नेता हर जगह कहते हैं कि इतना काम हुआ है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ, और कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं कहा, तो गिनाए ना कि क्या काम किया है, बताएं क्या काम किया है, कितने रोजगार दिलवाए हैं? 70 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं देश में? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में अगर इतना काम किया है उन्होंने? बताएं हमारे मैनिफेस्टो पे क्यों अटके हुए हैं? अपना भी कोई मैनिफेस्टो होगा, अपना भी अपनी भी कोई योजना होगी कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम किसानों की क्या मदद करेंगे, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? उनकी सनक है कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की भी, यही बातें करते रहते हैं और हमेशा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। जो ठोस बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए, आज तक नहीं की है, और वो जानते हैं, इनके सारे नेता जानते हैं। अगर ठोस बात पे उतर गया चुनाव, अगर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की जो मुसीबतें हैं, मजदूरों की मुसीबतें हैं, इस पे उतर गया चुनाव, तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, क्योंकि कुछ किया नहीं है उन्होंने। करें वोट जिहाद, वोट विकास, स्मृति ईरानी कह रही है कांग्रेस की लेगेसी ये रही है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई, उसके साथ आप भी वही फिजूल की बातें कर रहे हैं। रिजर्वेशन की बात वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रिजर्वेशन, हम मुसलमानों का रिजर्वेशन कम करेंगे। संविधान बदलने की बात किसने की, किसके प्रत्याशियों ने की, किसके मंत्रियों ने की, कौन से मंत्री के साथ मोदी जी रोड शो कर रहे थे जिसने कहा कि हमें 400 सीट दोगे तो हम संविधान बदलेंगे? किसने कहा ये? क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है, आंदोलन का अधिकार देता है, इसलिए बदलना चाह रहे हैं क्योंकि जनता को कमजोर करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनका पूरा प्रयास 10 सालों से ये रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करेंगे ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। क्योंकि क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में, जनता समझ रही है, जनता जानकार है, जागरूक बन रही है, जनता समझ रही है कि अगर इस तरह से चलता जाए तो लोकतंत्र भी संकट में है।